स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार। तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ माता, तकदीर बदल जाए। माता तेरे चरणों की। कैसे हो आप सब? सावन सोमवार का आज तीसरा सोमवार है और यहाँ पे हो रही है सुबह सुबह की हमारी पूजा। और आप सबके कमेंट आते हैं, दी आप पूजा करते हुए भी थोड़ा कभी 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 कभार हमें थोड़ा सा दिखा दिया करिए। तो मैंने सोचा कि चलिए आज की शुरुआत ही हम कर देते हैं वीडियो की पूजा पाठ के साथ। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अभी तक आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है गांव की शांति, तो सो प्लीज़ वहाँ पे भी मुझे आप फॉलो कर लीजिए। उसके बाद बारी आती है सफाई की। और अब तो मेरा घर काफ़ी यही दो चीज़ करने से अच्छा हो गया है। और हमारा नया वाला घर बनने का आज शुभ मुहूर्त था, जो पूजा पाठ करके करवाते हैं ना, थोड़ा सा अपना एक पंडित जी को बुला के थोड़ा सा दिखवा के। और यहाँ पे ये देखिए, मुझे बहुत ज़ोरों से मच्छर ने काटा और ये भी कुछ मेरे से बात कर रहे थे, तो हम दोनों लोग यहाँ पर बात कर रहे थे। तो चलिए मैं पहले सफाई कर लेती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आप सबसे। मैंने ये वाली हरी वाली साड़ी सोची थी पहनने को, लेकिन इसकी फाल ही उल्टी लग गई है। जिधर ऊपर के साइड में फॉल गलती से यहाँ पे लग गई है इस वाले साड़ी। हेलो, कैसे हो आप सब? मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गांव की शांति में। और आज है सावन का तीसरा सोमवार और मैं तो व्रत हूँ। आप सब में से कौन कौन लोग व्रत है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो पूजा हो गई और आज हमारे घर में पूजा है, मतलब कि नए काम के लिए पूजा है, नए घर बनने के लिए पूजा है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज के लिए। आज ये भी गाजीपुर जाएंगे, जो मतलब सारी चीज़ें जो ले आनी है ना, जो घर बनने में सारी चीज़ें ले आनी होती है, मतलब बालू गिट्टी नहीं ले आनी है, जैसे छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें जो मिस्त्री लोगों ने लिखा है वो लेने के लिए जाएंगे। अभी काम बाहर लगेगा, मतलब वो मैं नहीं दिखा पाऊंगी इसलिए क्योंकि वो बाहर के साइड जो रोड के साइड हमारा कटरा वटरा है उनमें कुछ काम करवानी है, जैसे कि किराए पे हमने दे रखी है तो उनका जो अंदरूनी कुछ काम होता है, जैसे कि ये टूटा है या टूटा है, वो चाहे उनके अकॉर्डिंग जो वो किराएदार हमारे चाहते उनके अकॉर्डिंग बनने वाला है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आज भोलेनाथ ने मेरी फाइनली सुन ली। हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे करके हम सब कर पाएंगे। और जा रही हूँ मूँगफली भुनने, और किस किस को मूँगफली नहीं पसंद भुनी हुई, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, लेकिन व्रत है तो सोच रही हूँ क्या। तो अभी प्रसाद में तो थोड़ा सा एक खाया है और आज थोड़ा एनर्जी लो लो सी रहती है, लेकिन इनके लिए आलू परवल की सब्जी। हम 15 दिन तक अब लहसुन प्याज नहीं खाते हैं सावन के इस वाले पख में जो अजोरिया वाला होता है। तो अब मुझे यहाँ के बस कपड़े बस फोल्ड करने हैं, बाकी हैं, बाकी मैंने बेड और सारा बेडशीट वेडशीट सही कर दिया है। और आप लोग कैसे हैं, मेरी डेली रूटीन आप लोग पूछते हैं, तो चलिए मैं आज सोचा कि डेली रूटीन भी इसके साथ में शेयर कर देती हूँ, मैं क्या क्या चीज़ें करती हूँ। तो मैं मूँगफली भून रही हूँ क्योंकि ये भी जब तक आएंगे ना तब तक बाहर से, तो ये थोड़ा सा मूँगफली तो वो भी खा लेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम व्रत के लिए बना रहे हैं। मूँगफली वाले आलू भी बहुत लोग सेना नमक के साथ बनाते हैं, बट मैं किसी भी व्रत में सेना नमक नहीं खाती हूँ। मुझे लगता है कि हम नमक ही खा लिया तो फिर खाना ही खा लेते हैं, तो मैं नहीं खाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं मूँगफली भून लूँगी। थोड़ा सा मैं बीच में जाके लेट गई थी, इतनी थकान थकान हो जाती है ना आज के दिन, थोड़ा टाइम लगेगा इसको भूनने में। और देखिए धीरे धीरे शाम का टाइम हो रहा है और ये चार डब्बे मेरे पास काफ़ी टाइम से यहाँ पे पानी भर के रख दिए थे ताकि इनको साफ़ करके इनमें कुछ चीज़ें आ जाती है घर के लिए, जैसे कि कुछ भी बिस्किट उस्किट है तो आप बंद करके रख सकते हैं। ये सारे अरम्या के
वो जो पतंजलि का जो पावर बेटा पीती है ना, ये उसके सारे जो है वो खाली पड़े थे। और फाइनली हमारा घर सही हो रहा है, मतलब बन रहा है बहुत सारी चीज़ें, तो इस बात की खुशी है। और इसमें कहीं ना कहीं आप सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और बहुत सारा मैं ट्रोल भी हुई हूँ इस बात को लेके। तो इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट देने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और ये देखिए, ये आ गए हैं गाजीपुर से बहुत सारी चीज़ें लेके, और कुछ ट्रैक्टर से सामान आए हैं वो जो बाहर ही हमारे, देखिए मेन रोड दिख रहा होगा हमारे घर के बाहर। तो रम्या संजोग से यहीं पे फ़ोन लेके खड़ी थी, और यहाँ पे ये लेके आए हैं। तो कैसे मुस्कुरा रहे हैं, उसकी कुछ ऐसी ऐसी बातें होती हैं। काम कंप्लीट हो चुका है, और मैं दोपहर का खाना, इनका रम्या का सब कुछ देखना, ये सारे काम मैं ख़त्म कर चुकी हूँ अब तक मैं। और मैं अभी कमेंट का आप लोग का रिप्लाई दे रही थी, तो जो मैंने सेलिब्रेशन वाले प्ले बटन के सेलिब्रेशन में जो मैंने साड़ी पहनी, वो बहुत से लोगों ने पूछा कि दी वो आपने कहाँ से लिया, तो मेरे को एक इंस्टा के पेज से रिसीव हुई थी। और मैं अपने साड़ी कलेक्शन आप लोग मेरा अगर देखना चाहेंगे तो मैं अपने सेकेंड चैनल पे जल्दी ही वीडियो लेके आने वाली हूँ, जिसमें अपने थोड़े थोड़े करके मैं साड़ी कलेक्शन तो शेयर करूँगी ही करूँगी, साथ में मैं आप सबके साथ बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक भी शेयर करूँगी। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उस चैनल का नाम है शांति की लाइफस्टाइल। वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक देख के दे दूँगी, वैसे मुझे याद नहीं रहता है कि मैं याद से आप लोगों को लिंक जो है वो शेयर दिया करूं। ये भी आ गए हैं, अभी आए हैं, और दही लेके आए, मैंने फ़ोन करके बोला था, क्योंकि आज संजोग ये हुआ कि जैसे हमारे यहाँ 2 लीटर दूध आता है रोज़ सुबह सुबह ही आ जाता है, लेकिन आज उनकी भैंस ने दूध नहीं दिया, और आज आधा लीटर ही दूध आया था। ऊपर से मेरा व्रत, ऊपर से मैंने कुछ खाया पिया नहीं है वैसे खास, पता नहीं क्यों मुझे व्रत में चाय ही थोड़ा अच्छा लगता है, बिना व्रत का भी कौन सा हम चाय नहीं पीते हैं। अच्छा, मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया, तो मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है गांव की शांति, उसको फॉलो कर लीजिएगा। पूरा शाम हो गया, ये सारा सामान लेके आए हैं, पता नहीं रम्या ने रिकॉर्ड किया गलियारा में क्या आया है नहीं पता। और अभी बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में आने वाली है, तो फाइनली शुभ दिन को शुभ मुहूर्त में हमारे घर का, नए घर का सब कुछ हो चुका है। अब मुझे कुछ पार्सल्स रिसीव हुए हैं, तो मैं जा रही हूँ, देख रही हूँ क्या है किसमें है। और थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी बारिश मेरे को लग रही है ना कि होने वाली है। कपड़ा हटाओ तुम का, अपन काची उठी तंदूर के देखी कहीं। और आज है हमारे सोमवार, तो आज है हमारे यहाँ पे बाजार लगता है आज सोमवार के दिन, तो जाके ये ले आएंगे अपनी हरी हरी सब्जियाँ। और मैं मिलूंगी आप सबसे एक अगले वीडियो में, क्योंकि आज बिल्कुल भी कुछ रेसिपी वेसिपी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं था। और सिंपल से आलू परवल की सब्जी, सब्जी कैसी बनी थी अरु? अच्छी। बहुत अच्छी नहीं बनी थी? बहुत अच्छी। हमें छुक्का व्रत वाले दिन तो ऐसे भी थोड़ा सा हो जाता है। और आप सबके यहाँ पे अभी कौन कौन से त्यौहार आने वाले हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है ना, जैसे कि तीज आने वाली है, और ये वाली तीज हमारे यहाँ नहीं मनती है, हम लोग के यूपी साइड में वो भादो वाली तीज मनती है शायद। और आप लोग को कैसे तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी करिएगा। और मैंने तीज मेकअप लुक भी अपने उस वाले वीडियो पर शेयर किया है, तो आप लोग देख सकते हैं, उस वाले चैनल पे शेयर किया है, वीडियो पे नहीं। तो मैं मिलूंगी आप सबसे कल, और आज शरीर को थोड़ा सा आराम दे रही हूँ, वैक्सीन लगने के बाद कोई मुझे ज़्यादा 1-2 दिन तक तबीयत खराब रही। हाँ, कल के वीडियो में आप लोगों ने बोला कि वैक्सीन से होता है, घबराइएगा मत। तो थैंक यू सो मच आप सबका, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ। और आप भी वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, 1 दिन का बुखार 2 दिन का तो आप झेल ही सकते हो नॉर्मल सा, वो तो ऐवे भी हो जाती है, मौसम ऐसे वैसे चेंज रहता है तो हो जाता है। और मेरे बाल बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रही है, पूरे ये दिखने लगे हैं। कोई बात नहीं, मौसम चेंज हो रहा है तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। और रम्या सांप की जो केचुली नहीं होती, सांप का जो कपड़ा वाइट कलर का जो निकाल देते हैं वो लोग कपड़ा अपना, वो लेके ना घूम रही है लकड़ी में ऐसे फंसा के। बचपन में हम भी खेला करते थे,
कहीं भी कोई भी ऐसे पकड़ के, अरे हम तो जो खेल खेलते थे मैं बता नहीं सकती आपको, ओला पाती, खो खो, छुअंता, गोटिया चुरंता, कुदंता, ऐसे कर करके पता नहीं क्या क्या नाम होते थे हमारे खेल के। अभी तो बच्चे फोन में सिमट के रह चुके। मेरी बेटी मेरे को इशारे करी कि कितना बोलती हूँ, क्या हुआ, कितना बोलती हूँ मैं। मेरी बेटी बोल रही है मम्मी अब कितना बोलती हूँ, मैं बहुत थोड़ा बोलती हूँ। फोन हमको जाऊंगी मैं मंदिर शंकर जी के यहाँ, थोड़े ही देर में जाऊंगी, थोड़ा अंधेरा हो जाने के बाद, क्योंकि मैं सुबह सुबह नहीं जा पाती हूँ। अब बहुत ज्यादा भीड़ भी रहती है सुबह सुबह, इसलिए नहीं जाना हो पाता है। तो अब मैं मिलूंगी आप सबसे कल एक नए वीडियो के साथ, और थैंक यू आप सबका इतना प्यार, इतना सपोर्ट और इतना ज्यादा अच्छे पॉजिटिव कमेंट करने के लिए। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलूंगी आप सबसे एक अगले वीडियो में।